अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने शॉपिंग पोर्टल की डेटाबेस को पीएचपी माय एडमिन के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। यहाँ पे नोटपैड के अंदर मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस रख ली हैं। आपको ये जो फाइल होगी उसके अंदर आपको ये इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपने फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फाइल का लिंक जो है वो आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। उसके बाद जो है आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले ही फाइल डाउनलोड की हुई है और उसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तीसरे नंबर पर जो है आपने इसको डायरेक्टरी के अंदर, जैम की डायरेक्टरी के अंदर या वैम्प जो है उसकी डायरेक्टरी के अंदर, या अगर लैम्प है तो आपने इस तरह डायरेक्टरी के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसको सिंपली ऐसे कॉपी करना है और इधर जाना है, सी ड्राइव में जाएंगे और इस तरह जैम के अंदर आकर यहाँ पर ये देखें मैंने इसको पहले ही पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपने ओपन पीएचपी में एडमिन करना है और यहाँ से मैं ये जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और क्रोम ब्राउज़र में जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पीएचपी में एडमिन जो है वो ओपन हो चुका है। फोर्थ नंबर पर क्रिएट डाटाबेस नेम शॉपिंग, शॉपिंग नेम की आपने डाटाबेस क्रिएट कर लेनी है और यहाँ पर आपने उसको न्यू में जाकर यहाँ पर नेम को आपने पेस्ट कर देना है और क्रिएट कर देना है। सिंपली इंपोर्ट पे जाना है आपने, यहाँ से चूज में जाएंगे, ये जैम एस टी डॉक्स और शॉपिंग के फोल्डर में जाकर आप यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसकी जो डायरेक्ट्री का होगा लिंक वो भी मैं आपको दे दूँगा और यहाँ पर ये देखें हमारा शॉपिंग की डाटाबेस यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर लोकल होस्ट टाइप करना है और उसके बाद आपने अपनी डाटाबेस का नेम लिख देना है, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो शॉपिंग पोर्टल है वो रन हो चुका है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।